एक्चुअली हमारे सामने क्यारियाँ हैं दो छोटी छोटी, तो वहाँ पे गोबर ढोने का कार्य करना है। क्या खुद रोने लगे तीर? ओके चल भाई। तो दगड़े हो, शाम हो गई है और ये देखो ये है बर्थडे बॉय। इसमें मिला है अंडा। एक्चुअली हमारे त्योहार में वीडियो पार्लर नहीं है तो उसका कोर्स कर रहे हैं हमारे। जब दीवार जब भीड़। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। दगड़ियों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और अभी मैं जा रहा हूँ गोबर लेने। एक्चुअली हमारे सामने क्यारियाँ हैं दो छोटी छोटी, तो वहाँ पे गोबर ढोने का कार्य करना है। तो बस माता श्री पहले ही पहुँच चुकी हैं गोशाली के समीप, वहाँ पे गोबर कंडी में इकट्ठा कर रही हैं। और मेरे पीछे एक एक क्यारी देख रहे हो आप, इसके एक इसके नीचे क्यारी है, तो इन दोनों क्यारियों में मैंने गोबर ढोने का कार्य करना है। चलिए चलते हैं गोशाली की ओर, देखते हैं कितनी बारी जो है लाते हैं। अरे नाश्ता अभी हूँ नाश्ता हम और कर दू। चलो ये देखो ये हम पहुँच गए हैं गोशाली की ओर। छः तो बर्थडे बॉय को बर्थडे बॉय का बर्थडे बॉय के फोन छू रो अभी लेने के फोन छू ए भैंस के टांकू आज रेडमी ए टू चेचू ने ले दिखो दे। तो दड़े हमारी चाची लोग भी अपग्रेड हो गए हैं, अब वीडियो कॉल बात होगी इनसे। आओ चाय ए चाची ले अब हेलो हाय में कह रहा हां हां बस नको हुई तो है ताऊ छु ताऊ क्लियर रिश्ते बात कर दे नको हुई तो मेल तो मुझे मेल भी तुम तो है मेल तो ये तो हमारी खूबसूरती इतनी है। कॉस्मो भूजी क्या ओहो अभी दिन में तो ये देखो बोले हमारी चाची तैयार हो गई है। तो ये कैमरा साई चाची है हमारी, अब ठीक है मेकअप करा दूँ फेरन लगे फेरन हैंडसम। अरे यार त्या सिम पहले सिम तो डाल ही मैं सिम डाल लूँ मैं सिम को। तो ये नया मोबाइल आए हैं कल को ठीक से अच्छा वीडियो में था। ये हमारे जो भ्राता श्री हैं बड़े भ्राता श्री मनोहर सिंह ने अपने घर वालों को गिफ्ट दिया है फोन, और ये गिफ्ट लक्ष्मण लेके आया है यहाँ पर। कैसे हो क्या बुतिया रे मणि बोर्ड तो यार ये रास्ता वाला है तुम खाने खाने कैसे की यहाँ से गोबर ले जाना है दगड़ियों। मैंने ये है दो हीरा और मोती, और ये है हमारा कंडी, यहाँ से ले जाऊंगा मैं बारीक बारीक गोबर जो बारीक है ना, क्योंकि क्यारियों में बारीक गोबर लगता है। बल ये देखो देखो अगर आपको हरी सब्जी चाहिए तो कृपया संपर्क करें, यहाँ पे बहुत सारे हो रखी हैं। अब क्या लियो मेल फ्री हुई ले मेल के लिए ना वो सोल तो सिरान पे मेरा वो सोल जो कमर मानो तो होता है ऐसा है ना कि जब अभी हम लगाए पुनः गोबर ढोते हैं तो कंडी से कमर में चसक पड़ जाती है, दर्द हो जाता है। तो उस दर्द को क्या हो रही थी जोश में आ रखा है लड़का, इसको भी गोबर ढोने के लिए बोल रहे ना तो यहाँ चिल्ला रहे जल्दी जा रहे गोबर जल्दी जल्दी। तो हाँ कहाँ पे था मैं कि जब गोबर ढोते हैं तो कमर में दर्द होता है, उस दर्द से बचने के लिए आपको शॉल बांधना पड़ता है कमर में। तो माता श्री ने ये राई भेजी है कि इसको किचन में रखो और साथ में एक वो लेके आओ शॉल। और क्या ही बोले ना, इस तरीके से काम करना पड़ रहा है। चलो मैं सॉल वगैरह लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो दगड़ियों सॉल लेने के उपरांत मैं पहुँच गया हूँ गोशाले के पास, और यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, आप ये लगा लो सिर्फ 50 मीटर होगा। कती कण ले जाने में लियो भाई? 5-6 कण ले आने। क्या है मेरे लिए बाकी आके फिर क्या चू? बाकी आज हमारे सुपरस्टार दीपू पहाड़ी दगड़िया का जन्मदिन है, और वो बेचारा सुबह सुबह मेरे से पहले मॉड होने जा चुका है। आज बर्थडे नहीं भाई?
तो आज उसका बर्थडे है और ये मेरे को ये कौन फेंकन तीर फेंकन ये भाई कुहुड़ कुहुड़ और दगड़ी वो क्या बताए ना बारी हमारी गई हुई है मायके है ना और माता श्री इतनी चलाक है कि जैसी बुआरी गई वैसे उनको मोड़ होने वाला काम याद आया नहीं तो एक से भले दो होते ना पर चलो क्या करें मजाक कर रहे हैं मजाक कितना ही ढोलेंगे अभी 9 बजे से तो उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है वहाँ भी क्या ही छुट्टियाँ बनाएगी बेचारी हो 9 बजे से 6 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है फिर 1-2 घंटे भाई मतलब छुट्टियाँ बनाने गई हो जॉब तो जॉब ही है क्या करें वर्क फ्रॉम होम का यही है चले हुए हैं बाकी ये देखो हमारी माता श्री लगी हुई है इतना टाइम है बहुत ज़्यादा भोर ना पहले भी चलो इसको मैं कमर में लपेटता हूँ अपने नाटन फिर यहाँ से घर चलेंगे और क्या सुना नहीं आपने 6-7 बारी इसको लेके जाना है बल घर तक मैंने इसको निकालते हैं पहले बाहर कमर में लपेटते हैं कमर बांध दिया जाए चलो रे कंडी उठाओ जल्दी क्या तुम छेकन तुम कौन प्यार करा बस माने खेल झील करे का की जन मे कौन माने बैठन तो ये माँ बैठन जाभूति का घोला आजकल गाना चला लगे पापा क्या खुट रोने लगे तीर ओके ठीक हुई ना का इतनी झील में निकाल ना ज्यादातर चल ठीक है जी फिर ये कचहरा पप्पो तो के कॉल जानी चल चल मिल जाना हमें देख तू ये देखो तुम बाहुबली देख रहे हो चाची श्री कितना बड़ा सुयल लेके आ रही है तो बोर्ड ढूंढते हैं दवान जो कि तुम आप मोड़ जो गलत बात तुम रास्ता कर रहे हो यहाँ से दगड़े हो मनोज भाई साहब के घर जाने के लिए हमारा एक शॉर्टकट रास्ता है इसको बंद कर रहे हैं भले सुन लिया आपने बहुत गलत बात है ये देखो यहाँ पे ये देखो दोनों मियाँ बीबी साजिश रच रहे हैं दवान में कोई बोलो जो है बड़ी मेहनत लगी तुम जो मर्जी बोलो मेल मेल जानू बाटे तुम जे बोलो मेल बाटे जान चलो फटाफट कंडी शॉफा फेंकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे है ना ये काम निपटाते हैं सबसे पहले तो तो दगड़ियों गोबर ढोने का जो कार्य था वो पूरा हो गया है और साथ में जो गोबर में ढोया था उसको माता श्री ने बिल्कुल बराबर पूरी क्यारियों में फैला दिया है ये देखिए ये नीचे की क्यारी है हमारी पूरा बढ़िया ढंग से फैला रखा है और ये ऊपर की क्यारी पास बढ़ो तो ये हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि ये चाकू क्यों है मेरे हाथों पे ये हैं क्यों बोला ना बीजा आलू जिन आलुओं को मतलब बीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है देखिए कोंपले निकल गई है इनकी तो हम लोग माथापाड़ पर तिराबाड़ में तो इनको यहाँ पे रोपित करेंगे इसीलिए आज ये सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रखी है इन दो क्यारियों में ज़्यादा नहीं 3 कंडी यहाँ ढोई मैंने 3 कंडी नीचे 6 कंडी में ही कार्य हो गया था तो ये माता श्री अब ये कार्य कर रही है बाकी मेरा जो कार्य है वो संपन्न हो गया है तो अब थोड़ा स्नान वगैरह कर लेते हैं ना धूप भी बड़ी प्यारी से खिली हुई है तो स्नान वगैरह करता हूँ मैं और फिर मिलता हूँ ना आप सभी से ये देखिए आप इस तरीके से आलू को इतनी बड़ा काटा नहीं होगी
रोपित किया जाएगा नीचे। तो दगड़ियों स्नान वगैरह हो चुका है और अब चलिए चलते हैं दीपू को ढूंढने बड़े बॉय की तलाश में। तो क्या क्या होने पाल से नेपाल से क्यों वो तारवाड़ के लगाए हूँ चल जल्दी नेक्स्ट मकर के आते हैं तारवाड़ जहाँ पे ये मल्लीबा खली सेना धोयल हो मो बुरी गोप्रो ये देखा तुम ये तुम तुम्हारा खेम करे लोग ये मैं तारवाड़ ये तुम्हें जानू ये सार्वजनिक रास्ता नहीं है। सार्वजनिक मेरे लिए तो है ही देखो अभी ये बंद कर कहते इसको बंद करो नहीं तो ये दीवार ढो जाएगी दो दिन में मेरे वजन से। अभी थी मिस्त्री के पैसे ले लिए मैंने इतनी बड़ा आदमी जोली में भाई ये ढूंगा अभी हिला बैठी देख ये तो मतलब ये तुम एक कहीं इन 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 बिचा आके भाई अलग कर दे इनको मनोज उनको यही चाह रहे हो आप तुम तारवाड़ दिखाए तुम भैंस की टांगी तारवाड़ गरी जन के कतर सुंगर लगे हो जाओ तुम्हारे सुंगर हमने ना सुंगर 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 तो फिर भी हम लॉन्ग जंप पे बैठ गए हमें ना या मैं बहुत भर्ती तैयारी हम कर लान हाँ इससे इससे ऊपर निकलना बस तुमने सीधा भर्ती ये देखो तुम अरे बड़े बॉय कौन से वो है मोड़ है केक इतने मुआ केक बनाया अभी तो केक तो क्या होता किले हाय देखो तुम और बड़े बॉय माँ जब जब हो भयंकर भयंकर कह तो ये देखो डर ये रहा बड़े बॉय घर आ रहे लो बुने पल ना ब्लॉग आने वाला वही ना कह तू मैं वो एटीएम ले जा वो हो गया ले तेरे लिए एटीएम है आज जितने पैसे खर्च करने देखो देखो कितना अच्छा एटीएम है पारदर्शी एटीएम है ले जितना मर्जी खर्च करना आज तेरा गिफ्ट है जा जी ले अपनी जिंदगी है ये देखो दिख रहा है ये दिख रहा है इसकी शक्ल दिख रही है ये देखो ये देखो अभी बेचारा मोड़ हो के आ रखा है इसको तैयार करके लाएंगे आपके सामने है ना तो ये देखो फिलहाल बढ़िया सा मौसम हो रखा है ना चल तू नहाई जा रहे मौसम बनाएंगे एक एक तो एक ताम्र पत्र तो हमारे चाचा श्री भी डिजर्व करते हैं क्यों या ताम्र पत्र दियो पर नहीं माता श्री जो मैंने सुबह बताया था आपको यहाँ पे आलू बोने प्रारंभ हो गए हैं किस कन के बोने आलू अगर रोल दन मनुन जी ना देखो तब पता चलो उनकी कम आलू है और वे मात्र धनिया बूदी में पूरा नहीं बूदी अलग मिला सब कुछ नहीं पहले ही बूदी अलग यहाँ पाले टुकड़ा लेना है इसका और ऐसे इसको दफना देना है ये हो गया है रोपित एक महीने बोले तो एक हफ्ते दो हफ्ते में अंदर ऊपर आ जाएंगे मैंने खा लिया तो बाद में खा लूँ ये देखो एक ये बर्थडे बॉय नहाने को तैयार नहीं हो रहा है ये पैर गर्म नहीं रहो यही नहीं तो अभी मोड़ है क्यों हाँ शुक्र है नहीं तो ये दलदरी हरकत तेरी ऑन कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी हाँ हाय हाय चलो भाई काटो चल भाई तो दगड़ियों शाम हो गई है और ये देखो यह है बर्थडे बॉय तालियां मस्ती रहनी चाहिए ये निकाल निकाल ले बिल्कुल ये हो गया ये छोटा बर्थडे है ये अमरनाथ वाला बर्थडे है चलो 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 काटो हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत दिखा दे क्या हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे लो जाओ भी दिखा दे कवर करो उसको साइड साइड से हां भलो बंदा आदि ये देखो तो बर्थडे सब दे रहे कब मुख पे ना लगाए तो बात करो हैप्पी बर्थडे टू यू चलो लिपाई पोताई शुरू करो लिपाई पोताई कार्यक्रम शुरू करो किल्ली करो यहाँ आज तक कोई नहीं गर्म पानी है हमारे पास कर दो अरे बहुत है चलो चलो चल लग इसमें मिला है अंडा
और ये मुंह का फिके फैसल बोलो तू ये बात रख देना भाई यार ना ना देखो अरे देखो खराब है फैसल मुंह का कर जा रहे हो ना नो खाने कपड़ों में नॉर्मल है फैसल बोलो फैसल दीपो खा दूं यार तो आग तो बंद कर अरे रुक जा मैं खोल रहा हूं यार बंद कर दूं अरे भैया अरे फैसल का ना फैसल ये एक्चुअली हमारे तो आखिर में वीडियो पार्लर नहीं है तो उसका कोर्स कर रहे हैं हम अरे आग खोल दे वीडियो अरे खाने के खराब है ना कौन से क्यों बिना देना चलो इसको क्या ही इसको अभी खोल देंगे दो मिनट क्यों फोटो खींचो हम ना तो दगड़े ये है इसका बर्थडे एवरेज बनाया गया है ना लड़के लोग आते बाल खोल अरे I am Groot. अरे वन मोर लगने I am Groot. हाथ धो के वन फोटो खींचो ले बाबा. अरे I am Groot लगने. I am Groot. मम्मी बयान है ना मिनिया. चलता चलता. जाते. लगे ना मेरा दिल लगे ना. अबे लगे ना बस. हाँ. बस. ठीक है. हम इनको किडनी खोले. मिर्को मिर्को मिर्को. हो गया. ये छोटी सी पार्टी चल रही है होली है तो हो गई है पार्टी अब हम खाएंगे क्या चाची क्या ला रखा हमने केक केक खाओ तो क्या खा रहा है बता मुझे ये बता मुझे ये क्या है ये बंद कर दिया ना नहीं ये तो कवर है ये क्या खा रहे हैं आप ये केक है नहीं खाने ये हमारे ये क्या है गोबर तो क्या खा रहा है गोबर अंडा केक तो दगड़ियों अब समय है आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करने का तो आज का जो दिन था वो इसी तरीके से रहा दीपू का जन्मदिन था पहले तो सुबह वो कोविड होने गया हुआ था शाम को भाई साहब मैच खेलने चले गए लड़कों के साथ और अभी इतनी रात को पहुँचे हैं तो फिर जब वो पहुँचे तो तब तक उनके घर वालों ने भी खाना खा लिया था हमारे घर वालों ने भी खाना खा लिया था बगल वालों ने भी खाना खा लिया था सभी मतलब बुजुर्ग लोग अपने बिल्कुल बिस्तरों में चले गए थे फिर हमने क्या किया जो बच्चे थे उनको उठाया उनके साथ केक को काटा और उसके थोपड़े पर जरा सा जो है मालिश वगैरह किया है ना तो चलिए उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कीजिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए जय भारत जय उत्तराखंड।